नमस्कार, विदर्भ की बात पीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश के इतिहास में पहली बार विदेश से चार्टर विमान किराए पर देने के लिए पहुंचा नागपुर। मिहान में पालक मंत्री नितिन राउत के हस्ते हुआ स्वागत। गंगा जमुना को शुरू करने की ज्वाला धोटी की कोशिश जारी। 22 अगस्त तक दिया ज्वाला ने पुलिस और प्रशासन को बैरिकेड हटाने का समय। और विदर्भ में शिवसेना को मजबूत करने के लिए युवा सेना के सचिव वरुण देसाई पहुंचे विदर्भ के दौरे पर। और अब खबरें विस्तार से। देश में पहली बार एक भारतीय कंपनी विदेश द्वारा विदेश से आयात किए गए चार्टर विमान को देश में किराए से उपलब्ध कराने के लिए सज्ज हुई है, जिसके अंतर्गत नागपुर के मिहान सेज की एयर इंडिया के MRO में आज शामिल होते ही किराए से चलाने वाले चार्टर विमान के स्वागत के लिए शहर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, महापौर दयाशंकर तिवारी के साथ प्रशासकीय अधिकारियों की मौजूदगी रही, जबकि विमान के आगमन होते ही पानी के फव्वारे से चार्टर विमान का स्वागत किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने क्योंकि मुझे अभी कनिका थोड़ी देर पहले बता रही थी कि हम काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में हम एयरक्राफ्ट ला सके, लेकिन हमको परमिशन नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे हमने मिहान एसीजेट से कांटेक्ट किया, दो दिन के भीतर इनको वो परमिशन यहाँ पे मिल गई और इसके तहत यह पहला एयरक्राफ्ट जेट सेट फ्लीट नामक कंपनी का यहाँ पर एयर इंडिया MRO में इंपोर्ट हुआ है। और जैसा कि आपको बताया गया, मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ यानी इस मिहान एसीजेड में देर आर 3 यूनिट्स ऑफ मेसर्स AI इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेसर्स AR इंदा मिल टेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड मेसर्स डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड अप्रूव्ड फॉर मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑलिंग, जो है जिसको MRO करके शॉर्ट फॉर्म एक्टिविटी, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग अब फॉल्कन एयरक्राफ्ट एट मियान एसीजेड नागपुर। द एयरक्राफ्ट आर एंटरिंग इनटू सेज एरिया एसीजेड एरिया फॉर मेंटेनेंस रिपेयर थ्रू द टैक्सी वे कंस्ट्रक्टेड बाय द मिहान डेवलपर्स विच इज कनेक्टेड टू मेन रनवे ऑफ नागपुर एयरपोर्ट। द एक्सपोर्ट अफेक्टेड बाय दिस यूनिट ड्यूरिंग द ईयर 2019 and 20 इज AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 126 crores। नागपुर के गंगा जमुना परिसर में पुलिस विभाग द्वारा सख्ती बरती जा रही है, जहां 22 अगस्त तक वो बंदी नहीं हटाई गई तो इसके परिणाम गंभीर देखने को मिल सकते हैं। ऐसी चेतावनी ज्वाला धोटे ने गुरुवार को आयोजित एक पत्रकार परिषद में दी। सामाजिक कार्यकर्ता ज्वाला धोटे ने देह व्यापार करने वाली महिलाओं के लिए 15 अगस्त को सरकारी नौकरी की मांग की थी, जबकि उनके लिए ज्वाला ने गंगा जमुना परिसर के बैरिकेड भी हटाए थे, जिसके बाद फिर पुलिस विभाग ने परिसर में सख्ती बरतते हुए बैरिकेड लगा दिए, जिसका विरोध करते हुए ज्वाला ने अब आर पार की लड़ाई की चेतावनी लड़ने की चुनौती नागपुर पुलिस को दी है। 15 ऑगस्टला मी वचन दिलं होतं की 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी, 75व्या स्वातंत्र्य दिनी मी तिथे येऊन वारांगणा माता भगिनींना जे बंदिस्त करण्यात आलेलं आहे त्यांचे बॅरिगेट्स तोडून त्यांना मुक्त करेल। मी माझा शब्द पाळला, मी तिथे जाऊन सगळे बॅरिगेट्स हटवले। संविधानिक देशाची संविधानिक नागरिक म्हणून मी आपलं कर्तव्य बजावलं। त्या अन्यायग्रस्त शोषित दुखी महिलांना जे बंदिस्त करण्यात आलं त्यांचे बॅरिगेट्स काढून उखडून मी फेकले, परंतु शोकांतिका अशी आहे की संध्याकाळी परत ते बॅरिगेट्स उभारण्यात आले। समाजाला, संविधानाला, कॉन्स्टिट्यूशनला, डेमोक्रेसीला, न्यायव्यवस्थेला गालबोट लागण्यासारखी ही घटना झालेली आहे। आम्ही बॅरिगेट्स काढले, यांनी परत 15 ऑगस्टच्या रात्रीला बॅरिगेट्स उभे ठेवले। माझी बाजू, माझ्या वारांगणा माता भगिनींची बाजू ही सत्याची, न्यायाची, अधिकाराची,
आणि कॉन्स्टिट्यूशनला सोबत घेऊन असणारी ही बाजू आहे। मी शासन दरबारी वारंवार भीक मागायला जाणार नाही। माझ्या माता भगिनींना भीक नको आहे, अधिकार हवा आहे। जर का 22 ऑगस्ट रक्षाबंधनाच्या दिवसापर्यंत जर का तिकडचे बॅरिगेट्स हटत नाही, त्यांना मुक्त श्वास जर का घेऊ देत नाही, तर याचे महाभयंकर परिणाम होतील। काय होतील ते मी आज सांगू शकत नाही। 22 तारखेला मीडियासमोर ते सगळं चित्र येईल आणि याला पूर्णपणे जबाबदार नागपूर पोलीसचे कमिशनर अमितेश कुमार राहतील। आणि महाराष्ट्र शासनाला माझी हात जोडून विनंती आहे की एक परिपक्व अनुभवी पोलीस आयुक्त नागपूर शहराला द्यावा। हे आयुक्त फार ज्युनियर आहेत, त्यांना अनुभवाचा फार कमतरता दिसत आहे। या आयुक्तांना एक परिपक्व अनुभव असलेला समंजस सुविचारी कायद्याच्या बंधनात राहून काम करणारा असा पोलीस आयुक्त नागपूरला उपराजधानीला द्यावा असं महाराष्ट्र शासनाला मी विनंती करते। रायलाय न्याय आणि हक्काची गोष्ट, कोणी आंधळ नाही आहे, सगळ्यांना सगळं दिसत आहे। शासन दरबारी भीक मागणार नाही। जो खरंच झोपला आहे त्याला आपण जागा करू शकतो, परंतु जो झोपायचा ढोंग करत असेल त्याला कोण जागा करणार? शासनाला सगळं दिसत आहे, लोकप्रतिनिधींना सगळं दिसत आहे। मी कोणाकडे भीक मागणार नाही। संविधानांनी बाबासाहेब आंबेडकरांनी मला हक्कासाठी आणि न्यायासाठी लढण्याची मुभा दिली आहे। मी हक्कासाठी आणि न्यायासाठी लढेल आणि या दरम्यान कायदा सुव्यवस्था जर का मोडल्या जातो तर याला पोलीस प्रशासन जबाबदार राहील। धन्यवाद। माझा कोणत्याच राजकीय पक्षावर आरोप नाही, परंतु शहरामध्ये संपूर्ण नागपूर शहरात चर्चा चालू आहे की कोणत्या तरी बिल्डर लॉबीचा या कोट्यावधीच्या मोक्याच्या जमिनीवर डोळा आहे। आणि हा डोळा काही आत्ताचा नाही आहे, गेल्या 5-10 वर्षापासून त्यांचे मनसुबे आहेत ही जागा हडपण्याची। आणि अशी शहरातच चर्चा आहे, ग्रासरूटपासून तर क्रीम लेवलपर्यंतच्या लोकांमध्ये अशी चर्चा आहे की या बिल्डर लॉबीला डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भाजप पक्षाचं समर्थन आहे। गुरुवार को नागपुर में शिवसेना पार्टी के युवा सेना के सचिव वरुण देसाई संतरा नगरी पहुंचे हुए थे। इस दौरान वरुण देसाई ने नागपुर में आयोजित युवा सेना की बैठक में पक्षों को मजबूती प्रदान करने पर जोर देते हुए विदर्भ में युवा सेना द्वारा शिवसेना की पकड़ विदर्भ पर मजबूत बनाने पर जोर दिया। युवा सेना पदाधिकारी संवाद दौरा हा गेले महिनाभर संपूर्ण महाराष्ट्रभर सुरू आहे। महिन्याभरापूर्वी देखील युवासेनेची संपूर्ण कार्यकारिणी ही नागपूर येथे आली होती, एक यशस्वीरित्या युवासेनेची बैठक पार पडली होती। या 6व्या टप्प्यामध्ये पुन्हा एकदा नागपूर शहरात युवासेनेच्या आमच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत आज बैठक होते। यानंतर भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यामध्ये युवासेनेची बैठक होणार आहे आणि उद्या गडचिरोली व चंद्रपूर या सगळ्या ठिकाणी युवासेनेच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक होते। या संपूर्ण पदाधिकारी संवाद दौऱ्यामध्ये अनेक नवीन तरुण हे युवासेनेसोबत अटॅच होत आहेत। अनेक इतर पक्षातील चांगले कार्यकर्ते नेते हे युवासेनेत थेट प्रवेश करत आहेत आणि त्यामुळे या संपूर्ण संवाद दौऱ्याच्या माध्यमातून युवासेनेची ताकद वाढते आहे। गेल्या वेळेला महिन्याभरापूर्वी नागपूरच्या युवासेनेला आम्ही काही सूचना केल्या होत्या, त्या सूचनांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही, टीम वाढली आहे की नाही, या सगळ्याबाबत आढावा घ्यायला आज पुन्हा एकदा युवासेनेची कार्यकारिणी ही आज नागपूर शहरात आलेली आहे। युवासेनेत कुठलाही गट नाही, युवासेनेत फक्त एकच गट आहे, तो म्हणजे सन्माननीय आदित्यसाहेब ठाकरे यांचा गट। एखाद्या जर कुठल्या क्षुल्लक कारणावरनं कुठल्याचे मतभेद असतील तर आमचं काम आहे ते मतभेद दूर करणं। आज युवासेनेची खूप मोठी फळी नागपूर शहरात निर्माण होऊ शकते व ती कशी होईल, तळागळापर्यंत युवासेना कशी पोचू शकेल याकरता आजची आढावा बैठक आहे। या आढावा बैठकीच्या माध्यमातून मला खात्री आहे की येत्या काळात युवासेना तुम्हाला खूप मोठ्या जोमाने काम करताना दिसेल। भंडारा में सराफा व्यापारी डकैती कांड का पर्दाफाश करते हुए नागपुर क्राइम ब्रांच पुलिस ने इस अंतरराज्य गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उनसे लूट का माल भी जब्त किया गया। भंडारा में सराफा व्यापारी के साथ हुए लूटपाट में अब तक गिरफ्तार आरोपियों में ओम यादव, रघु यादव, वासुदेव यादव, श्रवण यादव, चिरंजीव उर्फ शुभम संजय यादव सभी मध्य प्रदेश निवासी और राकेश विजय प्रधान ओडिशा निवासी का समावेश है। गिरोह के अन्य फरार सदस्यों की भी तलाश पुलिस कर रही है।
जो कि सूरत, भंडारा और नागपुर के निवासी हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से जब नागपुर पुलिस की टीम ने पूछताछ की तो आरोपियों ने भंडारा के जवाहर नगर, MIDC पुलिस थाना अंतर्गत, गोंदिया पुलिस थाना अंतर्गत और उमरेड में बैग लिफ्टिंग और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात कबूली है। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने और चांदी के करीब 15,68,237 रुपए के माल सहित 9 मोबाइल फोन, चोरी में उपयोग की गई बाइक सहित करीब 16,70,267 रुपए के माल को जब्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को भंडारा के महात्मा फुले वार्ड निवासी सराफा विनोद भुजाड़े सोने चांदी से भरे दो बैग लेकर दुकान पहुंचा था। दुकान खोलने के पहले उसने दुपहिया वाहन से बैग को निकाला और दुकान के सामने रखा और पड़ोसी व्यापारी से बातें करने लगा। इसी बीच दुपहिया वाहन पर आए नकाबपोश डकैतों ने मौका पाकर बैग उठा लिया और भाग गए। फिरियादी विनोद ने इसकी शिकायत पुलिस से की। शिकायत के अनुसार बैग में 55 से 70 लाख के आभूषण होने की जानकारी उन्होंने पुलिस को दी। घटना के बाद आरोपी नागपुर की दिशा में भागे थे। भंडारा पुलिस ने नागपुर पुलिस को इसकी सूचना दी थी। मंगलवार को नागपुर क्राइम ब्रांच की टीम को गुप्त सूचना मिली कि भंडारा में हुई लूट के आरोपी कलमना परिसर में छिपे हुए हैं। छापामार कार्रवाई कर पुलिस की टीम ने आरोपियों को दबोच लिया, लूट का माल उनसे जब्त किया है। पूछताछ में पता चला था कि आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले रैगिंग की थी और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया था। अकोला जिले में हवाला कारोबार से जुड़ी हुई 43 लाख की नकद पुलिस ने जब्त की है। ये कार्रवाई अकोला रेलवे स्टेशन पर की गई, जहां पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी मनोज हरिराम शर्मा को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। हवाला कारोबार से जुड़ी एक खबर अकोला से सामने आ रही है, जहां अकोला रेलवे सुरक्षा बल ने एक 43 लाख की नकद जब्त की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अकोला से मुंबई की ओर जाने वाली विदर्भ एक्सप्रेस का मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस विभाग को हवाला की एक बड़ी रकम रेल के माध्यम से आने की जानकारी गुप्तचरों से मिली थी, जहां जाल बिछाकर रेलवे सुरक्षा बल ने एक आरोपी को धर दबोचा। संदिग्ध आरोपी का नाम मनोज हरिराम शर्मा बताया जा रहा है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर ये आरोपी आखिर 43 लाख रुपए लेकर किसके पास जा रहा था और कौन कौन इस हवाला कारोबार से जुड़े हुए हैं, इसकी जांच पुलिस कर रही है। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य में नागपुर के ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब की रजत जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख सर संघ चालक मोहन भागवत ने सभी छायाचित्रकारों को अपने शब्द सुमन अर्पित करते हुए शुभकामनाएं दी है। आज 19 ऑगस्ट 2021 जागतिक छायाचित्रण दिवस आणि नागपूरच्या ऑरेंज सिटी फोटोग्राफर्स क्लब यांचं रजत जयंतीचं वर्ष हा एक सुखद संयोग मला वाटतो। छायाचित्रण किंवा ज्याला प्रकाशचित्रण असंही म्हणतात एक कला आहे आणि पुष्कळ लोकांचा तो आजीविकेचा व्यवसायही आहे। छायाचित्रण किंवा प्रकाशचित्रणाचं आणखीन एक वैशिष्ट्य आहे, कला म्हणून ते आनंद देतं, व्यवसाय म्हणून पोटाला मिळवून देतं। कुठली कला त्याचा अभ्यास करत असला तर व्यक्तीच्या स्वभावातल्या अनेक गोष्टी त्यामुळे उजळून निघतात, दृष्टी मिळते, कौशल्य वाढतं, बारीक तपशील लवकर ध्यानात येण्याची हातोटी साधते। त्याचबरोबर ही जी चित्रांची दुनिया आहे ती मनोरंजनही करते, सुंदरतेचा आनंदही देते, पण त्याचबरोबर माणसाला पुष्कळ शिकवूनही जाते। परंतु एखादा उत्तम फोटोग्राफ, उत्तम प्रकाशचित्र हे एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्यांमधून, त्याच्या गालांच्या, ओठांच्या, डोळ्यांच्या प्रसरणा किंवा आकुंचन याच्यामधून आणि ज्या भावना सांगून जातं, एक संवाद त्या दृष्टीने साधला जातो आणि अशी नेमक्या प्रसंगातली अशा प्रकारची चित्रणं ही समाजाला पुष्कळ काही शिकवूनही जातात। त्याच्यामुळे अशी ही बोलकी चित्र ही समाज शिक्षणाचं उत्कृष्ट माध्यम म्हणूनही राबवल्या जाऊ शकतात। समाजाच्या संवेदनेची जाणीव, कलेची उत्कृष्टता आणि कलेचं सौंदर्य, व्यवसायाची अचूकता
आणि व्यवसायातली ही उत्कृष्टता आणि त्यातनं व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास या चतुर्विध अंगाने या फोटोग्राफर्स क्लबची अशीच पुढे उत्तरोत्तर प्रगती व्हावी अशी यानिमित्ताने मी त्यांना शुभकामना देतो आणि माझं हे निवेदन संपवतो. अब वक्त चला एक ब्रेक का, तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. कपिल नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक युवक को मौत के घाट उतारा गया. बताया जाता है कि परिसर में रहने वाली किशोरी से उसके प्रेम संबंध थे. इसी बात से बौखलाए किशोरी के भाई और उसके साथियों ने युवक की हत्या की. पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है. मृतक सुंदरबाग गड्डी गोदाम निवासी कमलेश बंडू सहारे बताया गया. कपिल नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक युवक को मौत के घाट उतारा गया. बताया जाता है कि परिसर में रहने वाली किशोरी से उसके प्रेम संबंध थे. इसी बात से बौखलाए किशोरी के भाई और उसके साथियों ने युवक की हत्या की. पुलिस आरोपियों की जांच में जुट गई है. मृतक सुंदरबाग गड्डी गोदाम निवासी कमलेश बंडू सहारे बताया गया है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कमलेश विवाहित था, लेकिन कुछ वर्ष पहले ही पत्नी उसे छोड़कर चली गई. उसे एक बच्ची भी है. कमलेश की बहन कपिल नगर थाना अंतर्गत महाड़ा क्वार्टर परिसर में रहती है. उसके क्वार्टर के सामने ही आरोपियों का मकान है. कमलेश का बहन के घर आना जाना था. इसी बीच उसने 16 वर्षीय किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया. किशोरी से मिलने के लिए वह अक्सर परिसर में आता जाता था. उसने किशोरी को एक मोबाइल फोन भी खरीद कर दिया था. दोनों की फोन पर बातचीत होती थी. विगत 19 जुलाई को परिजनों ने किशोरी को कमलेश से बातचीत करते हुए पकड़ लिया. पूछताछ में उसने प्रेम संबंधों की जानकारी दी और बताया कि मोबाइल भी उसे कमलेश ने ही दिया है. किशोरी की मां ने कपिल नगर पुलिस से शिकायत की और बताया कि कमलेश उनकी बेटी को परेशान करता है, उसका पीछा करता है और बात नहीं करने पर धमकाता है. पुलिस ने छेड़खानी का मामला दर्ज कर 20 जुलाई को उसे गिरफ्तार कर लिया. 15 दिन जेल की हवा खाने के बाद कमलेश जमानत पर रिहा हुआ. बुधवार की शाम वह बहन से मिलने उसके घर चला गया. किशोरी के भाई को कमलेश के परिसर में होने का पता चला. जैसे ही बहन के घर से निकला, तीन आरोपियों ने उसे घेर लिया. चाकू और गुप्ती से पेट पर कई वार किए गए और फरार हो गए. उपराजधानी पहले भी आतंकी संगठनों के टारगेट पर रही है. संघ मुख्यालय पर फिदायीन हमला हो या बड़कस चौक पर मिला पाइप बम, देश में बम धमाके करने वाले यासीन भटकल ने नागपुर में भी अपनी स्लीपर सेल का नेटवर्क बनाया था, लेकिन अब नागपुर तालिबानियों के भी रडार पर है. उपराजधानी पहले भी आतंकी संगठनों के टारगेट पर रही है. संघ मुख्यालय पर फिदायीन हमला हो या बड़कस चौक पर मिला पाइप बम, देश में बम धमाके करने वाले यासीन भटकल ने नागपुर में भी अपनी स्लीपर सेल का नेटवर्क बनाया था, लेकिन अब नागपुर तालिबानियों के भी रडार पर है. 2 महीने पहले नागपुर में पकड़ा गया नूर मोहम्मद उर्फ अब्दुल हक तालिबानी संगठनों से जुड़ा हुआ था. वह पिछले 10 वर्षों से नागपुर में रह रहा था. वर्ष 2010 में वो टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था. तब से चोरी छिपे नागपुर में रह रहा था. विगत 16 जून को सिटी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था. उसके शरीर पर गोली लगने के निशान मिले थे. मुजाहिदों के समर्थन में बनाया गया उसका वीडियो भी सामने आया. सोशल मीडिया पर आतंकी और तालिबानी संगठनों द्वारा डाले गए वीडियो से वह प्रभावित था. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया. उसे गिरफ्तार करने के बावजूद पुलिस गतिविधियों का पता नहीं लगा पाई. यहां तक कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने भी नूर मोहम्मद से पूछताछ की, लेकिन जांच में उसे क्लीन चिट मिल गई.
एम्बेसी से संपर्क कर 23 जून को उसे वापस अफगानिस्तान भेज दिया गया। अफगान पहुंचकर सप्ताह भर के भीतर ही वह तालिबानी संगठन से जुड़ गया। नूर मोहम्मद दोबारा तालिबानी आतंकियों से जुड़ गया और उसने अफगानी सेना के विरोध में हथियार उठा लिए। शहर में कोरोना महामारी भले ही पूरी तरह नियंत्रण में हो, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की जताई जा रही आशंका के चलते मनपा पहले से तैयारी में जुट गई है। तीसरी लहर में सर्वाधिक बच्चे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर विद्यापीठ के कैंपस में बच्चों के लिए 200 बेड का 3 मंजिला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। बेड्स और ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता को देखते हुए स्थायी समिति की ओर से इसके लिए जरूरी निधि को हरी झंडी दिए जाने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने दी। शहर में कोरोना महामारी भले ही पूरी तरह नियंत्रण में हो, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा तीसरी लहर की जताई जा रही आशंका के चलते मनपा पहले से तैयारी में जुट गई है। तीसरी लहर में सर्वाधिक बच्चे प्रभावित होने की आशंका के मद्देनजर विद्यापीठ के कैंपस में बच्चों के लिए 200 बेड का 3 मंजिला अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया है। बेड्स और ऑक्सीजन आदि की आवश्यकता को देखते हुए स्थायी समिति की ओर से इसके लिए जरूरी निधि को हरी झंडी दिए जाने की जानकारी स्थायी समिति सभापति प्रकाश भोयर ने दी। राष्ट्रीय संत टुकड़ोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी कैंपस की प्रशासकीय इमारत में 3 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 200 बेड का अस्पताल बन सकेगा। भले ही समिति के लिए समय में इसे पूरा करना एक चुनौती हो, लेकिन 2 माह के भीतर अस्पताल के लिए आवश्यक उपकरण और संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, साथ ही कार्य को पूरा किया जाएगा। मनपा आयुक्त को प्राप्त अधिकारों के तहत कैंपस की इस इमारत का हिस्सा अधिग्रहित किया गया है। सभापति ने कहा कि ICU और NICU के अलावा 3 मंजिल पर अलग अलग हिस्से में 150 बेड लगाए जाएंगे। इन सभी बेड को ऑक्सीजन युक्त बनाया जाएगा, जिसके लिए कैंपस में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा चुका है। हवा से ऑक्सीजन बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुछ मेडिकल उपकरणों की आवश्यकता भी सहयोगी एजेंसी द्वारा पूरी हो जाएगी। मनपा को केवल बेड और ऑक्सीजन की पाइपलाइन का निर्माण करना है। तीसरी लाट से शंका पकड़ून अपन येणाऱ्या त्या लहान मुलावर अटॅक होईल या दृष्टिकोनातून अपन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठामध्ये 3 पहिला मजला, 2रा आणि 3रा हे मजले आम्हाला तिथे त्याची बिल्डिंग आम्हाला मिळाली। त्यातून इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं आम्हाला निर्माण करायची होती, त्यामध्ये बेड झालं, कंपार्टमेंट झाले आणि ऑक्सिजनचा या संपूर्ण गोष्टी आम्हाला तिथे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या दृष्टिकोनातून आम्हाला निर्माण करायच्या आहेत। आणि यामध्ये जे मशिनरीज लागतील ते NCI माध्यमातून आदरणीय माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आणि दया भैया यांच्या संकल्पनेतून दोघांनी ती संकल्पना तयार केली आणि आदरणीय नितीनजीचा सुद्धा त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता। या सर्वांच्या सहमतीने आम्ही हे 200 बेडचं हॉस्पिटल, 30 बेड ICU NICU 20 बेड आणि 150 बेड ऑक्सिजनचे या संबंधीचं 200 बेडचं हॉस्पिटल आम्ही तिथे निर्माण करतो आहे। अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर कार में उत्पात मचाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। कर्मचारियों को धमका कर सरकारी काम में बाधा निर्माण की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल ने एक आरोपी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 3 को बरी किया गया। दोषी करार दिया गया आरोपी भोसलेवाड़ी लश्करी बाग निवासी अमरिंदर सिंह बाबू सिंह तट्ठे बताया गया। अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर कार में उत्पात मचाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। नाकाबंदी के दौरान पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। कर्मचारियों को धमका कर सरकारी काम में बाधा निर्माण की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील पाटिल ने एक आरोपी को 6 महीने कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 3 को बरी किया है। दोषी करार दिया गया आरोपी भोसलेवाड़ी लश्करी बाग निवासी अमरिंदर सिंह बाबू सिंह तट्ठे बताया गया। बताया गया कि 12 जनवरी 2015 की रात अमरिंदर अपने साथी उत्तम सिंह, जसवीर सिंह और गुरदीप सिंह के साथ लग्जरी कार पर घूमने निकले थे। चारों ने शराब पी रखी थी और शहर भर में कार से जमकर उत्पात मचाया। हुडकेश्वर पुलिस को पता चला कि कार रिंग रोड की तरफ आ रही है। मालगीनगर चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी करके कार को रोकने का प्रयास किया। अमरिंदर ने इशारा देने के बावजूद कार नहीं रोकी, पुलिस के वाहन को टक्कर मार दी। कुछ कर्मचारी भी जख्मी हो गए। आखिर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा निर्माण करने सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। API घोड़के ने प्रकरण की जांच कर आरोप पत्र दायर किया।
बतौर पैरवी अधिकारी हेड कांस्टेबल सुभाष खोबरागड़े और अभिषेक कश्यप ने कामकाज संभाला। अतिरिक्त सरकारी वकील जयंत अलोने और गिरीश दुबे आरोपी अमरिंदर के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में कामयाब हुए। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति को 12,71,000 रुपए का चूना लगा दिया है। सकरदरा पुलिस ने आशीर्वाद नगर निवासी अनिल सुरेश मसोदकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। शेयर ट्रेडिंग के नाम पर अज्ञात आरोपियों ने एक व्यक्ति को 12,71,000 रुपए का चूना लगा दिया। सकरदरा पुलिस ने आशीर्वाद नगर निवासी अनिल सुरेश मसोदकर की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि 14 अगस्त 2020 को प्रियंका शर्मा नामक महिला ने अनिल को फोन किया। मुंबई की टॉप स्टॉक रिसर्च शेयर मार्केट कंपनी की अधिकारी होने की जानकारी दी। उन्हें बताया कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने पर मोटा मुनाफा कमाया जा सकता है। पहले अनिल ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन वो बार बार कॉल करके कंपनी के माध्यम से शेयर में पैसा निवेश करने के लिए दबाव डाल रही थी। इसलिए अनिल ने शुरुआत में 1,00,000 रुपये निवेश करने की तैयारी दिखाई। प्रियंका ने उन्हें अपनी कंपनी के प्रमुख ऋतिक सेन और विपिन राठी का नंबर दिया। उनके खाते में गूगल पे द्वारा रकम ट्रांसफर करवाई गई। कुछ ही दिनों बाद प्रियंका ने फिर कॉल किया। अनिल को बताया कि उनके पैसे जिस कंपनी के शेयर में निवेश किए गए थे उसके भाव तेजी से बढ़ रहे हैं। एक वर्ष के लिए पैसा निवेश करने पर मोटा मुनाफा होगा। समय समय पर अनिल ने कुल 12,71,000 रुपये आरोपियों के अकाउंट में ट्रांसफर किए। आरोपियों ने उन्हें ईमेल द्वारा जमा राशि की रिसिप्ट भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन कोई रिसिप्ट नहीं भेजी गई। नागपुर में आज गुरुवार 19 अगस्त को 4 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं। वहीं आज मौत का आंकड़ा शून्य पर रहा, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। वहीं आज 5,113 लोगों की कोरोना जांच की गई है, जहां 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।